अस्सलाम वालेकुम वरह साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास सिक्स टू एट यानी लेवल टू का जैक ने जो उर्दू सिलेबस जारी किया है उर्दू सिलेबस जो बताया है कि कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है इसमें स्टूडेंट का बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि क्या पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है जैक ने जो सिलेबस सिक्स टू एट के लिए जारी किया है उर्दू का सिलेबस वो किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि ये जे का सिलेबस है बल्कि यूपीएससी का भी सिलेबस इतना टफ़ और इतना वास्ट नहीं होता है टफ़ तो हम नहीं कहेंगे बट वास्ट ज़रूर कहेंगे इतना वास्ट सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का यूनिवर्सिटी लेवल का उसमें कहा गया है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल का जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो सिलेबस कवर करना है तो ग्रेजुएशन में जो कितने सेमेस्टर होते हैं टोटल छः सेमेस्टर होते हैं छः सेमेस्टर का सिलेबस एक महीने में कवर करना आपको लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा कोई एक महीना दो महीना तीन महीना में इतना वास्ट सिलेबस तीन साल का जो पढ़ाई होती है वो तीन महीने में या चार महीने में कवर किया जा सकता है बिल्कुल भी नहीं तो जे पी एस जैक ने जो सिलेबस जारी किया है बिल्कुल लगता है कि अब किसी बकलोल ने यह सिलेबस जारी किया है किसी भी एंगल से उन्होंने एनालिसिस नहीं किया उन्होंने किसी भी एंगल से गौर नहीं किया कि ये सिलेबस सिक्स टू एट के लिए कितना उचित है नहीं है और जो हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे वो समय स्टूडेंट uh, के पास कितना है वो कवर कर सकता है नहीं कर सकता इन चीज़ों पर उन्होंने बिल्कुल भी गौर नहीं किया हम मान लेते हैं कि अगर वो सिक्स मंथ भी टाइम दे दे फिर भी ये सिलेबस सिक्स टू एट के लिए पॉसिबल है ये नहीं है तो ये सिलेबस जो जारी किया है जैक ने ये बहुत ही गलत है और किसी भी एंगल से सिक्स टू एट के लिए सूटेबल है ये नहीं है तो अगर जैक ने इस तरह का सिलेबस जारी कर ही दिया है तो हमें क्या करना है उसके लिए तो हम करेंगे क्या कि उसमें जो मेन मेन पार्ट है जैसे नज़म है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी में नज़म है नसर है और इसी तरह से कवायद तो थोड़ा इजी है इसका सिलेबस इजी है कवायद वाला पोर्शन इजी है उसको आसानी से तो हम कवर कर सकते हैं लेकिन नज़ और नसर का जो पार्ट है उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे उसको कवर करेंगे ताकि इजीली कम समय में हम सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि एन सी आर टी सिक्स टू एट और एलेवेंथ ट्वेल्थ भी हम लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं जैसा कि मैं उसका वीडियो भी बना रहा हूँ तो वन टू फाइव के लिए वो तो बहुत ही उचित है बहुत ही बेस्ट है वन टू फाइव वाला बिल्कुल एन uh, से कवर हो जाएगा और सिक्स टू एट वाला भी थोड़ा बहुत कवर होगा लेकिन स्पेशल सिक्स टू एट के लिए क्या हमें करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो हमें उस सिलेबस के तहत ही हमें तैयारी करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके तहत हमें क्या करनी पड़ेगी तैयारी करनी पड़ेगी और उस सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछा जाता है हमें उसको क्या करना पड़ेगा एनालिसिस करना पड़ेगा एनालिसिस करने के बाद हमें उसी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा इधर उधर पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है तो क्या हमें करना है हम यही करेंगे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको हम लोग निकालेंगे और उसी से हम लोग क्या करेंगे प्रिपरेशन करेंगे जब इतना वास्ट सिलेबस रिलीज़ कर दिया तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जैक दोबारा कुछ करने वाला नहीं है वो किसी के नहीं सुनते हैं कुछ भी कीजिए कुछ सुनने वाला नहीं है और इसी चीज़ का फ़ायदा झारखंड सरकार और बाकी जो भी एजेंसीज़ हैं और या सिस्टम के लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं तो वन टू फाइव की तैयारी मैं करा रहा हूँ इन शिक्स टू एट की भी तैयारी प्रिपरेशन मैं शुरू कर दूँगा वन टू फाइव के लिए तो इंटरमीडिएट लेवल का जो बुक्स हैं वो एन की पढ़ लेंगे तो टोटल उसमें सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा और सिक्स टू एट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वही यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तो साथियों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप वन टू फाइव या सिक्स टू एट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए इस चीज़ दोनों की तैयारी इंशाल्लाह कराएंगे शुक्रिया